जनपद में समेकित शिक्षा के अंतर्गत 6 से 14 साल के विकलांग बच्चों को अधिकारियों ने योगी सरकार की पहल पर उपकरण बांटे, जिससे उनको होने वाली दिक्कतों को कुछ हद तक कम किया जा सके। आज मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार वाबिये से मसीहुज्जमा सिद्दीकी ने जिलाधिकारी पुलकित खरे के निर्देशानुसार शहर के नगरीय संसाधन केंद्र सिनेमा चौराहे पर एक कैंप का उद्घाटन कर समेकित शिक्षा के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों को उनकी जरूरत के हिसाब से चिन्हित कर उनको उपकरण बांटे। ये उपकरण 6 से 14 साल के दिव्यांग बच्चों को दिए गए, ताकि उनके सामने आने वाली दिक्कतों को कुछ हद तक दूर किया जा सके। उपकरण पाकर मासूम बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। देखिए, विकलांग बच्चों को चिन्हित करने के लिए और उनको पढ़ाने के लिए हमारे पास इंटरनेट टीचर होते हैं और रिसोर्स टीचर होते हैं। इनके माध्यम से हम सर्वे कराते हैं कि कितने बच्चे हमारे यहाँ विकलांग हैं, जो इस तरह की डिसेबिलिटी के शिकार हैं, मंद बुद्धि के हैं, या हियरिंग की समस्या है, या वो आँखों की विजुअल समस्या है, या चलने में कोई दिक्कत आ रही है। ऐसे लोगों को एक कैंप लगाकर पूरे ज़िले में प्रचार प्रसार करने के बाद एलिम्को से विशेषज्ञ टीम आती है, वो देखती है किस बच्चे को, पूरा जांच करती है किस बच्चे को क्या क्या हमें सामान देना है। उसके क्रम में यहाँ से जिलाधिकारी महोदय की ओर से एक लेटर जाता है एलिम्को को, वहाँ से मैन्युफैक्चर होता है और इन बच्चों को कैंप लगा के डिस्ट्रीब्यूट होता है। कितने विकलांग बच्चों को क्या क्या दिया गया यहाँ पर? ये आज यहाँ दिव्यांग बच्चों को जो है उनकी आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकार के उपकरण वितरित किए गए हैं। इसके पहले जो है CMO साहब की टीम द्वारा बच्चों का परीक्षण कराया गया था, उसी के हिसाब से जो आवश्यकता अनुसार एलिम्को कंपनी द्वारा जो है आज ये उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। और ये विभिन्न प्रकार विभिन्न जगहों पर कैंप लगा दिए जा रहे हैं। आज इस विद्यालय में कैंप लगाया गया, इसमें ट्राईसाइकिल, हियरिंग एड और बैसाइकिल जैसे उपकरण जो है लगभग 96 बच्चों को वितरित किए। ब्रेव न्यूज़ लाइव के लिए हरदोई से सुनील मिश्रा की रिपोर्ट।